सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी हुई एक इम्पोर्टेंट अपडेट की। अगर आप लोगों ने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन के एग्ज़ाम दिए थे, आपका रिजल्ट आ गया था, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो इक्वली इम्पोर्टेंट होगी उन लोगों के लिए भी जिन्होंने अभी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन लिया है और फर्दर वो आगे जाके एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो चाहे वो सेकंड ईयर का हो। उसके बाद रिजल्ट भी आएगा उनका और उनको भी इस वीडियो को देखने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन का रिजल्ट आने के बाद आप लोग अपनी मार्कशीट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप डेस्कटॉप से आपकी जो मार्कशीट है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को सीखेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूं उसकी अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इन दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, TST गुरविंदर यूज़र आईडी है। तो ज़्यादा समय ना लेते हैं, डायरेक्ट चलते हैं उस अपडेट पर जिसके लिए आज की वीडियो बनाई जा रही है। दोस्तों, टोटल 4 छोटे छोटे स्टेप्स हैं इस चीज़ के लिए। सबसे पहले आप जो भी सर्च इंजन यूज़ करते हैं, अपने कॉमनली गूगल यूज़ करते हैं, गूगल में एक चीज़ सर्च करेंगे RCI NBR। जैसे ही आप RCI NBR सर्च करेंगे, आपको एक पहली जो वेबसाइट है वो देखने को मिलेगी, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहेबिलिटेशन की। इस वेबसाइट को जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपको जाना है स्टूडेंट लॉगिन पे। मैं दिखाता हूँ आगे क्या प्रोसेस है इसका। जैसे ही आप स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज देखने को मिलेगा। इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना है, जो आपका यूज़र नेम पासवर्ड रहेगा। इस मोबाइल नंबर पासवर्ड डालने के बाद आप अपने डैशबोर्ड में, अपने पोर्टल में, अपने प्रोफाइल में लॉगिन कर सकेंगे। उसे लॉगिन करने के बाद आपको क्या चीज़ दिखाई देती है दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको प्रोफाइल कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें आपको अपना इंस्टीट्यूट का नाम मिलेगा, एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं वो मिलेगा, ठीक है, प्रोग्राम का कोड आ जाएगा, कौन सा बैच आपका है, एकेडमिक ईयर कौन सा है, और ये सारी आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप कैसे इस मार्कशीट को डाउनलोड कर सकेंगे या अपनी जो डिप्लोमा की मार्कशीट है उसे डाउनलोड कर सकेंगे। उसके लिए आपको ऊपर जो मेन्यू दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो प्रोफाइल है, एनुअल एग्ज़ाम है, यहाँ पे आपको एक मेन्यू दिखाई देगा, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। आपको मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, एक नया पेज ओपन होगा, उस पेज में आपको कुछ अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। दोस्तों, जैसे ही नया पेज ओपन हुआ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका नाम आएगा, मैंने इसे हाइड किया है प्राइवेसी कंसर्न के मद्देनज़र। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका एग्ज़ाम कौन सा है, July 2024, टर्म 1 मार्कशीट, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है ये, रिजल्ट आपका पास रहा, डेट आपकी यहाँ मेंशन होगी और डाउनलोड फर्स्ट टर्म मार्कशीट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। दोस्तों, सिंपल से 4 स्टेप्स हैं जिसके तहत आप अपनी मार्कशीट को घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर ली है तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दें। थैंक्स वॉचिंग द वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।